कड़ाके की ठंड है, दिसंबर का महीना है। देखिए मरीज किस तरीके से रोड पर लेटा है। कहाँ से आए गुड़िया? फरीदाबाद से। फरीदाबाद क्या हुआ है? तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में आए। तो यहाँ क्यों लेटे? होश गिरेगा और तबीयत खराब हो जाएगी। नंबर के लिए बैठे हैं ना सर। आप तो सड़क पर क्यों लेटे हैं? यहाँ पर सड़क के फुटपाथ पर क्यों लेटे हैं? सोने का जगह ही नहीं है कहीं, तो यहाँ पर सोए। कोई खास व्यवस्था नहीं की रहने के लिए? नींद आती है आपको यहाँ? नींद नहीं आती है, अब यही सोएंगे। मजबूरी, हमारी बच्चे परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी घर पे है। अब अंदर कर देने चाहिए, हम मर जाएंगे। जहाँ हमारी तबीयत तो वैसे ही खराब है, 2 महीने से मेरे को रोज बुखार आ रहा है बेटा। अगर इतनी हमारे पास सुविधा होती तो हम क्यों आते हैं रात में? बच्ची की ही तबीयत खराब है और बच्ची रोड पर इस हालात में, इसी वजह से क्या हमारी मजबूरी, हम तो लगाना पड़ेगा हमको। आपको क्या दिक्कत हो रही है? हार्ट में दिक्कत है। हमारे हस्बैंड है, उनके गले में थोड़ा सा दाना था, अब वो बढ़ता बढ़ता भगा गया। गुटखा खाते तंबाकू, इतना बड़ा हो गया दाना कि पूरी जीभ खराब हो गई, 2 जीभ हो गई है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मौजूद हूँ मैं इस समय दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल पर, जहाँ पर आज हम देश के स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात दिखाएंगे कि किस तरीके से देश की स्वास्थ्य व्यवस्था वास्तव में खोखली है। दिल्ली के अंदर भारत के हर राज्य से लोग इलाज कराने आते हैं, उनके रहने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, आइए देखिए। इस समय करीब समय 9 बजे का समय है और ठिठुरती ठंड में, दिसंबर का महीना है, इस समय परिजनों का क्या हाल है, वो इस समय कहाँ पर मौजूद है और क्या खास व्यवस्था दिल्ली सरकार या कहें केंद्र सरकार द्वारा की गई है, आइए मिलते हैं उन लोगों से। कहाँ से आए आप? बिहार से आए। इन लोगों के साथ आए क्या? ना भाई। कहाँ बिहार में कहाँ से आए? दरभंगा जिला से। क्या हुआ आपके मरीज को? क्या हुआ है? मेरा मतलब कमर में ना दर्द है ना, उस प्रॉब्लम में, तो वही ठीक कराना है। तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ? यहाँ 4 दिन हो गए। आपको क्या लग रहा है कि उनको अभी इलाज सही प्रॉपर हो रहा है? नहीं है, अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है, अब कल दिखाएंगे उसके बाद। क्या अभी नहीं हो रहा? अभी नहीं हुआ है। तो अभी एडमिट किया क्या उनको? जी किए थे। चेक किए थे? क्या बोले डॉक्टर? दिए हैं एक्सरे के लिए टाइम, तो कल दिखाएंगे उसके बाद बताएगा कि क्या हो गया था। आप तो सड़क पर क्यों लेटे हैं? यहाँ पर सड़क के फुटपाथ पर क्यों लेटे हैं? यहाँ पे मतलब सोने का जगह ही नहीं है कहीं, तो यहाँ पे सोए। कोई खास व्यवस्था नहीं की रहने के लिए? नहीं। आप दिल्ली सरकार के लिए या केंद्र सरकार के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहेंगे कि सुरक्षा होना चाहिए महिलाओं के लिए, क्योंकि इस ठंडी समय में तबीयत खराब हो जाएगा तो एक तो बीमारी से आता ही है, ऊपर से और तबीयत खराब हो जाएगा, तो उसके लिए सुरक्षा होना चाहिए, रूम व्यवस्था। मैंने सुना है यहाँ पे रैनबसेरे का है, कुछ आपने पता किया रैनबसेरा है या नहीं है? नहीं है, तब ना हम लोग 4 दिन से यहाँ। कहाँ से आए भैया? MP से, अशोकनगर जिला से। तो किस लिए आए? इसको बाल ब्लॉकेज है, इसका ऑपरेशन वगैरह ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए। तो आपने अपॉइंटमेंट ली थी? लिया है। तो कब की अपॉइंटमेंट थी? बुधवार को दिया उन्होंने। तो आप इतने पहले से क्यों आए? इतने पहले से उन्होंने टाइम दिया हमको, खून जांच वगैरह वगैरह जांच करवा रहे, एक्सरे वगैरह। पहले जांच करानी है उसके बाद, पर इस दौरान आपके पास रहने की और कोई खास व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं, यहीं पे बाहर। बच्ची की ही तबीयत खराब है और बच्ची रोड पर इस हालात में। जी सर। तो इसके लिए आप किसको दोषी ठहराना चाहिए? किसी को दोषी क्या, हमारी मजबूरी, हम तो लगाना पड़ेगा हमको। आपको नहीं लगता दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार को कोई खास व्यवस्था करानी चाहिए, क्योंकि देश का इतना बड़ा हॉस्पिटल है, भारत के हर राज्य से यहाँ लोग आते हैं। केंद्र सरकार तो बिल्कुल काम सही कर रही है, दिल्ली सरकार के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जो एडमिट हो चुके हैं बच्चों उनको घर परिवार कुछ ऐसा रेस्ट हाउस वगैरह कुछ देना चाहिए। हम यहाँ रोड पर रहने हैं, मतलब पर्चा हमारा सब कुछ बन चुका है, लेकिन हमको रहने की व्यवस्था अंदर नहीं है। कितने लोग आए आप लोग? 4 जने आए। अस्पतालों में कितनी लंबी लाइनें लगती होंगी? कम से कम 400-500 आदमी रोज लगते हैं। दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? दिल्ली सरकार के लिए यही मैसेज देना चाहेंगे कि अच्छी व्यवस्था करें, जो पर्चा बन चुके हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था करें, कोई भी टॉयलेट वगैरह लैटरिन वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर, रोड पे करना पड़ता है हमको टॉयलेट लैटरिन बाथरूम, या तो 30 रुपए में नहाने जाओ उधर, 30 हम पे नहीं है तो कहाँ नहाएंगे हम, बताओ। हाँ जी, कहाँ से आए? बिहार से, मोतिहारी जिला से। क्या ट्रीटमेंट कराने आए? आए हैं हम, बच्चा को प्रोटीन नहीं बना रहा है वहीं दिखाने आए हैं। तो क्या कहते हैं रहने की व्यवस्था? रहने की व्यवस्था तो यही है, यहीं पर है। हाँ यहीं पर है। पूरी रात नींद आती है? हाँ पूरी रात नींद नहीं रहते हैं हम लोग। नींद आती है आपको यहाँ? नींद नहीं आती है, क्योंकि सड़कों पर 2400 घंटे बाढ़ चल रहे हैं। हाँ यहाँ ठंड भी लग रही होगी। हाँ ठंड भी लग रहा है।
खाने की व्यवस्था क्या है? खाने की व्यवस्था आता है तो मिलता है तो खाते हैं, नहीं तो अपने यहीं से खरीद कर खाते हैं। कहाँ से है भैया? नालंदा जिला से। नालंदा जिला से जी। तो कितने दिन हो गए आप? हो गए 15 दिन अवल मैडम। आपके मरीज को क्या हुआ? मरीज को भी चल रहा है जांच, खाली दवा अभी को खुराक नहीं मिला है। बीमारी क्या बताइए? हार्ट का उसको भाल बदली करने लिए बोला है, तभी कुछ दवाइयों नहीं चलाया। 15 दिन से यही सोते हैं? यही सोते हैं। शौच के लिए कहाँ जाते हैं? शौच की व्यवस्था यहाँ नहीं है तो बहुत दूर में जाते हैं। दिल्ली सरकार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने शौच की व्यवस्था नहीं कराई। यहाँ के बारे में तो व्यवस्था चाहिए, यात्री सेट है यहाँ, पब्लिक बहुत रुकते हैं, हम लोग मरीज से बहुत दिक्कत है। जैसे टीवी पे देखते होंगे कि दिल्ली में बहुत अच्छी व्यवस्था है, विकास हो रखा है, केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा विकास करा रखा है, ऐसा लगा आपको? देख केजरीवाल तो विकास करा रखा था, देखो बहुत दिक्कत है, मरीज पड़े हुए हैं एक महीना दो दो महीना से, हम खुद बच्चा के यहाँ इलाज कराने रहे नालंदा जिला से, अभी कोई मरीज अभी कहाँ है? मरीज यहाँ, मरीज साथ में ही नहीं था आपके। बेटा क्या नाम है आपका? सत्यम कुमार। आपको क्या दिक्कत हो रही है? हार्ट, हार्ट में दिक्कत है। कहाँ से आए हो? हम जलालाबाद से। कितना टाइम हो गया? हमें यहाँ पर आए हुए हो गया है, परसों आए थे ना, परसों आए थे। हमारे हस्बैंड है, उनके गले में थोड़ा सा दाना था और वो बढ़ता बढ़ता गया, गुटका खाते तम्बाकू, इतना बड़ा हो गया दाना कि पूरी जीभ खराब हुई, दो जीभ हो गई है, एक नहीं दो लगती है, इतने परेशान है। अभी हमारा मतलब पर्चा बन गया है और डॉक्टर ने तारीख दे दी है मुझे, तो अब इतने दिन कैसे रुकेंगे? तो मैं फिर से डॉक्टर से कहूंगी, हम फिर से डॉक्टर से कहेंगे कि हमारे मरीज इतने दिन कैसे रुक जाएगा, जब उनकी इतनी तकलीफ है जीभ में, तो हम इतने दिन कैसे रुक सकते हैं बताइए आप। मैम शौच के लिए कहाँ जाते हैं? फ्रेश होने कहाँ जाते हैं? शौच के लिए कहाँ जाते हैं? शौचालय कहाँ जाते हैं? शौचालय में है, शौचालय आसपास नहीं है? कहाँ जाते हैं? हम तो अंदर है जी, गेट पे वहाँ चले जाते हैं। जाने देते हैं? हाँ जाने देते हैं, पैसे ले लेते हैं, पैसे लेते हैं। और खाने पीने की क्या? खाने पीने कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, इसी बस अब यही सोएंगे, मजबूरी है, हमारी बच्चे परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी घर पे है। आपके साथ कोई और भी आया? हाँ मैं दीदी का लड़का है। भैया कहाँ से आए? मैं खगड़िया जिला बिहार से आया हूँ। तो क्या व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे ऐसे 20 रुपए की ये खरीदा हूँ, लेट रहा हूँ ठंड में, करकरा के। आसमान के नीचे मरीज लेटने को मजबूर, मरीज है ना आप जी, आप यहाँ लेटेंगे? क्या हुआ है आप? हार्ट का प्रोग्राम है। आपने पता नहीं किया कि सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था कर रखी हो सोने वगैरह की? नहीं कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। खाने की क्या व्यवस्था है? खाने की व्यवस्था वही कोई दया माया लगता है तो, मतलब अभी आया ही नहीं, आवेंगे कुछ देरी से, सुबह तलक हम लोग मैडम ऐसा ही फूट फाट पर खाते हैं, इतना महंगा खाना कि मरीज के दिखावे कि क्या करें, खाना भी नहीं यहाँ आता है कोई, मतलब सांझ को कोई बड़ा बड़ हुआ आदमी वही प्रसाद के रूप में दो गो रोटी धर जाता है, हम लोग फूट फाट पर खा रहे हैं, या कोई खाना दाना की व्यवस्था नहीं है। पेशाब करने जाते हैं, बाथरूम जाते हैं तो कोई उधर से कोई उधर से भगा देता है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ से आए आप? हम हैं यूपी से, जिला जालौन से। अच्छा। हाँ जी। कितने दिन हो गए हमको यहाँ? हो गया करीब एक महीना हो गया, एक महीने से हो रहा है मैडम। तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर का, इतना टाइम क्यों लग रहा है? इतना टाइम मैडम इसलिए लग रहा है क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाते हैं वो बोलते हैं SOPD में जाओ, SOPD मतलब परेशान करते हैं, कभी यहाँ भगाते हैं, दवा ववा ले रहे हैं, बाहर से दवा ले रहे हैं, लिखते अंदर से हैं, लेकिन मोल दवा लेनी पड़ रही है हम लोगों को। हाँ जी। तो सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिला मैडम अभी तक? नहीं। और रहने की क्या व्यवस्था है? रहने के लिए आप तो देख ही रहे हो, ऐसा रहना पड़ रहा है। कितने लोग हैं आप? कमरे हमरे ले रहे हैं किराए से 1000 का 2000 का ऐसा रूम मिल रहा है। हाँ जी। साथ में कौन है? साथ में और चाचा लोग हैं, भाई लोग हैं, 4-5 लोग हैं साथ में। क्या हुआ आंटी? बेटा मेरे वो छाती में कैंसर की गांठ बताई है। अच्छा। तो इसीलिए आई हूँ। हाँ हमें हॉस्पिटल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब अंदर कर देने चाहिए, हम मर जाएंगे ना, हमारी तबीयत तो वैसे ही खराब है, 2 महीने से मेरे को रोज बुखार आ रहा है बेटा। मरीज ही रोड पर लेटा है? मरीज रोड पर लेटे हैं, बताओ कैसे जिए बेटा? अगर इतनी हमारे पास सुविधा होती तो हम क्यों आते हैं रात में, दोपहर के चले हुए हैं घर से, बुखार आ रहा है अभी मेरे को बेटा। अंदर बताओ, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, अंदर कोई वो नहीं है, अंदर किस लिए है? ये सरकार ने सुविधा कर रखी है सब कुछ, बताओ पेशेंट तो मरी जाएगा, बच्चे हमारे कैसे जियेंगे?
ये देखिए आपने झलको दिल्ली की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, जिसने दिल्ली की एक सुंदर झलक दिखाई कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था और केंद्र सरकार की व्यवस्था दिखाई किस तरीके से उंगली उठा रही है। जर्जर व्यवस्था है, मरीज सोने रोड पर सोने को मजबूर है। दिल्ली की सुंदर तस्वीर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली।